इतिहास के पन्नों से। इस कार्यक्रम का आधार संकलन है। विश्वसनीयता के लिए संदर्भ ग्रंथ का संपर्क करें। नमस्कार, आइए, स्वागत है आपका लोकप्रिय कार्यक्रम इतिहास के पन्नों में। आए, देखें, सुने, सोचे, समझे और मनन करें क्या कुछ हुआ आज के दिन इतिहास के पन्नों में। क्योंकि आप तो जानते ही हैं, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। 12 अगस्त सन 1848 में रेलवे इंजन के शोधक जॉर्ज टिफनसन इनका निधन हुआ। सन 1919 में अणु वैज्ञानिक विक्रम साराभाई इनका जन्म हुआ। सन 1942 में अमरावती में सिटी सुप्रिटेंडेंट के चेहरे पर काली शाही मली गई और कांग्रेस कमेटी के सील जनता ने स्वयं होकर तोड़ दिए। सन 1942 में चित्तूर, आष्टी, यावली यहाँ की आजादी की लड़ाई में अनेक लोग जख्मी हुए। सन 1602 में अकबर के दरबारी अबू फजल इनकी हत्या कर दी गई। सन 1765 में मुगलों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवान पद अंग्रेजों को दिया। सन 1998 में गायिका शमशाद बेगम इनका निधन हुआ। सन 1914 में तेजी बच्चन इनका जन्म हुआ। सन 1972 में जिला परिषद अमरावती के अध्यक्ष तू रू काड़े मनोनीत हुए। सन 1963 में जिला परिषद के अध्यक्ष भा मा इंगोले बने। सन 1907 में इंद्र भवन में रिस्ले सर्कुलर विरोध सभा इसका आयोजन किया गया। सन 2000 में रशियन सबमरीन कुर्श बेरेंट सागर में डूबी जिसमें 118 लोग मरे। सन 1981 में IBM कंपनी ने प्रथम कंप्यूटर बनाया। सन 1942 में अमरावती में देशभक्तों द्वारा सरकारी इमारतों पर पत्थरबाजी की गई। सन 1930 में अमरावती में सिटी कोतवाली का घेराव जनता द्वारा किया गया, कारण पटवर्धन तथा डॉक्टर सोमन इनके अटक की गई थी। सन 1880 में चरित्रकार बालकृष्ण गणेश खापरडे इनका जन्म हुआ। सन 1936 में मैडम कामा इनका निधन हुआ। सन 1955 में डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख ये भारत के पहले कृषि मंत्री बने। सन 1948 में भारत को हॉकी में पहला सुवर्ण पदक प्राप्त हुआ। सन 1968 में गोवा के मुख्यमंत्री बांदोड़कर इनका निधन हुआ।